ताजनगरी आगरा ग्वालियर रोड स्थित थाना सदर के ग्राम पंचायत रोहता के मौजा बरपुरा से 6 वर्ष का एक मासूम लापता है, जिसकी अपहरण की आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला थाना सदर क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोहता के मौजा बरपुरा का है। बरपुरा निवासी देवेंद्र ने बताया कि उनके छोटे भाई मिथुन का 6 वर्षीय मासूम गोलू गुरुवार की दोपहर से लापता है। देर शाम तक बेटे का सही पता नहीं लगा है। पुलिस और परिजन काफी खोजबीन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिथुन की पत्नी कृष्णा अपनी ननद अनीता को देखने के लिए दोपहर 12 बजे हॉस्पिटल गई थी। वह दोपहर लगभग 2:30 बजे घर वापस लौटी तो उन्हें घर गोलू नहीं मिला। उन्होंने सभी परिजनों को जानकारी दी और बेटे की खोजबीन शुरू कर दी। जब परिवारी जन बेटे को खोजबीन करते हुए आगरा ग्वालियर रोड के रोहता चौराहे पर पहुंचे तो टेम्पो चालक दीपक उर्फ जाड़े ने बताया कि 3 महिलाएं मेरे ऑटो में उसे मलपुरा लेकर गई हैं। वह वहां से कहां गई इसका पता नहीं। परिजनों ने थाना मलपुरा और थाना सदर पुलिस से बेटे की बरामदी की गुहार लगाई है। दोबारा सर, देवेंद्र नाम, देवेंद्र। कौन सी जगह के रहने वाले? बरपुरा। अच्छा, क्या मामला है? मामला सर ये है कि मेरी बहन अस्पताल में भर्ती है, लड़की हुई थी, तो ये छोटे वाले भाई का लड़का है, तो उसकी बहू वो माँ अस्पताल गए हुए थे करीब 12 बजे, तो जो समझ लो वो 12 बजे गई है, वो खेलने निकल गया होगा, जब से लापता है वो। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का गोलू नाम है सर। कितनी उम्र होगी लगभग? उम्र होगी लगभग 6 साल। अच्छा, तो फिर कोई जानकारी मिली है किसी प्रकार की? जानकारी सर एक ऑटो वाला बता रहा था कि मलपुरा साइड में मैं छोड़ गया हूँ, 3 लेडीज लेके गई और बच्चा रो रहा था पूरे रास्ते, तो मैंने पूछा भी है कि क्यों रो रहा है ये, तो उन्होंने बताया कि उसे हम दवाई दिला के लाए, इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, इस मारे रो रहा है। मैं उसे मैं छोड़ आया हूँ, बता रहे हैं टेम्पो वाले, मलपुरा चौराहे पे छोड़ के मैं इधर आ गया हूँ। तो आपने पुलिस को जानकारी दी है? जी सर, मलपुरा थाने में दी है, एफआईआर कर दी है, वैसे टीम लग रही है सहयोग में। तुम्हारा? मेरा नाम सर दीपक है। क्या करते हो आप? ऑटो चलाता हूँ मैं। अरे जी, एक बच्चा लापता हो गया, क्या जानकारी है आपको? मेरे को जानकारी सर जी है कि मैं मलपुरा से ऑटो लेके आया था रोहता, रोहता से मिली मुझे थोड़ी आगे चल के 3 लेडीज, उसमें मिला था एक बच्चा मुझे, वो लेडीज मैंने छोड़ दी थी मलपुरा, उनने दिया मुझे 100 का नोट, मैं वहाँ से वापसी लौट के आया रोहता, रोहता से मुझे मिल गई थी 2 सवारी और, तो जो बच्चे वाले हैं जो उनका बच्चा खोया वो मुझे मिली थी तेल वाले की दुकान पे, वो बोले उसने हमारा बच्चा देखा था किसी ने, मैंने बहन जी मैंने देखा था वो पीले कलर की टी शर्ट हाफ बाजू पहना था, वो मैंने ले जाके मलपुरा छोड़ दिए, वो मलपुरा छोड़ के उससे पूछते हैं किधर गया, मैंने ये कह दी मुझे नहीं पता है। नाम तो आओ? मेरा नाम बोला राम है। जो कौन सी जगह है? जी बरपुरा। क्या मामला है? जे बच्चा है सो पीली सी बुशर्ट पहन रहे हैं, 5 साल बीते, छटाई में लगो है। अच्छा, कब से गए बजे? जे आएगा 3 बजे थे। अभी जानकारी मिली कहीं? मिला ना? मिलो। पुलिस को जानकारी दी आपने? हाँ, जानकारी वहाँ पहुँच गए लल्लू पुलिस पर, पुलिस चौकी। तो क्या लग रहा है, कोई पकड़ के ले गया? क्या लग रहा है आपका, क्या कहना है? अब जे मालूम ना, भगवान जाना तुम खोए गो गैल भूल गो क्या है, पता नहीं है, पता नहीं है। क्या कहना चाहते हो पुलिस प्रशासन से आप? पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो आप? मांगे हमारा बच्चा मिल जाए हमें, तो और क्या मांगे? आखिर वह महिलाएं गोलू को लेकर कहां लापता हो गईं, यह कोई समझ नहीं पा रहा। थाना मलपुरा प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने थाने में जानकारी दी है। 2 टीमों के साथ पूरा पुलिस फोर्स बच्चों की खोजबीन में लगा हुआ है। इधर थाना सदर पुलिस भी लगातार सीसीटीवी फुटेज की तलाश के लिए कई जगह ढूंढ रही है। आगरा देहात से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट।